हेलो दोस्तों, मेरा शौक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही फेमस रेसिपी लेके आई हूँ, मोमोज चटनी के साथ। वैसे तो आजकल ये हर स्टेट में बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बट जो दिल्ली के मोमोज होते हैं वो बेस्ट होते हैं। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आपको वही दिल्ली का टेस्ट मिलने वाला है। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं स्क्रीन पे, फिलिंग के लिए और रैप के लिए और चटनी। मैंने कम से कम 15 से 20 बार इस रेसिपी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है एकदम अपना परफेक्ट टेस्ट पाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चटनी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 3 टमाटर, 10 से 12 कली लहसुन की, 10 से 12 कली मिर्च की, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और सिरका और सोया सॉस लिया है। लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हरी मिर्ची जो सूखी हो गई थी वो यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहें तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। सूखी मिर्च थोड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए। पैन में सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है और इन सारी चीज़ों में इसमें बॉईल करने के लिए डाल दूँगी लहसुन, मिर्च और टमाटर। इसको तब तक बॉईल करना है जब तक इसका पानी पूरा से रिड्यूस ना हो जाए। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम मोमोज के रैप के लिए आटा गूंथ लेते हैं। मैंने एक बाउल मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और पानी के साथ इसको सॉफ्ट गूंथना है। दो गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ और इसको ढक के थोड़ा साइड रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। अब चटनी के लिए जो उबल रही है सामग्री उसको देख लेते हैं। आई थिंक पानी रिड्यूस हो गया है, थोड़ा 1-2 चम्मच पानी बचेगा तो चलेगा। अब मैं इसे मिक्सर जार में निकाल लेती हूँ, इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल के बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है और उसके बाद बहुत थोड़ी सी 1/4 चम्मच चीनी। चीनी बस इतनी ही ऐड करनी है जो मिर्च का जो तीखापन है उसको थोड़ा सा काट सकते। 1/4 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच हम सिरका ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें सुपर हॉट मोमोज चटनी बनके तैयार है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब आइए अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने जो सब्जियाँ ली हैं उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लेंगे हम। जो भी जितनी भी क्वांटिटी में पत्ता गोभी लेते हैं उसके इक्वल क्वांटिटी में बाकी सारी सब्जियां लेनी है, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। और अगर आप सिर्फ गोभी लेना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मोमोज की जो फिलिंग होती है उसका मेन इंग्रेडिएंट गोभी है, पत्ता गोभी, तो हम सिर्फ उसको भी यूज़ करके हम मोमोज की फिलिंग इतनी टेस्टी होती है दोस्तों। अगर आपकी फिलिंग बच भी जाती है तो आप उसको एक सैलड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बहुत फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि मोमोज की रेसिपी की वीडियो डालने के लिए, स्पेशली उन्होंने जिन्होंने मेरे हाथ के मोमोज खाए हैं। ये रेसिपी एक्चुअली मेरी वन ऑफ माई बेस्ट रेसिपी है। मैं एक्चुअली दिल्ली से बाहर रहती हूँ और मुझे मोमोज बहुत पसंद है, जो मुझे खाने को मिलते ही नहीं थे, और जब कभी मिलते थे तो उनके साथ इतना एक्सपेरिमेंट होता था कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो फिर मैंने इसको खुद ही इस रेसिपी को बनाना ट्राई किया और 15 से 20 बार में जाके मेरे को वो एकदम परफेक्ट टेस्ट मेरा आया जो मैं चाहती थी, इसलिए ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत पास है। आइए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। एक पैन में 1 चम्मच मैंने तेल,
अब मैं इसमें जो गाजर कटी हुई है वो और शिमला मिर्च कटी हुई इसमें ऐड कर दूंगी और बीच बीच में थोड़ा सा टॉस करते रहना है। इन सब्जियों को बिल्कुल नहीं पकाना है, ये हार्डली 2 मिनट का काम है इसकी फिलिंग बनाने का। और मैंने पत्ता गोभी भी ऐड कर दी है और इसको जल्दी से थोड़ा सा मिक्स करके बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो फ्लेम को लो रख सकते हैं। आप बस ये चीज़ याद रखिए कि इस फिलिंग को बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। आप इस फिलिंग को एक अलग बाउल में निकाल लीजिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हमारी फिलिंग अब रेडी हो गई है और अब हम मोमोज बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो प्लेट है स्टीम के लिए हम यूज़ करेंगे उस पर मैंने ऑयल लगा दिया है। मैं डायरेक्ट मोमोज बना बना के इसी प्लेट पर रखूँगी और फिर इसी प्लेट को वापस मैं स्टीमर में डाल दूँगी। अब हमारे जो आटा है उसको बहुत छोटे छोटे लाइक कंचे होते ना मार्बल, उनकी साइज़ में हमें बॉल बना लेनी है क्योंकि मोमोज छोटे होते हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। पतली ही लेयर इसकी रखनी है, मोटी लेयर नहीं रखनी है क्योंकि हम इसे स्टीम करेंगे। ज़्यादा मोटी रखेंगे तो वो थोड़ा कच्चा कच्चा सा आएगा। और अब एटलीस्ट एक आधी चम्मच या एक चम्मच फिलिंग रखनी है, फिलिंग ज़्यादा नहीं रखनी है, फिलिंग इतनी ही रखें ताकि वो अच्छे से क्लोज हो सके। अब इसको चारों तरफ से फोल्ड करते करते बीच में एकदम से बाइंड कर देना है, सील बंद कर देना है, इसका मुंह खुलना नहीं चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मोमोज के अलग अलग शेप्स हम मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम बनने देंगे। और मैंने ऑलरेडी जो जाली वाली प्लेट में इसमें रखने वाली हूँ उसी में मोमोज रखे थे, उन्हीं को मैं इसमें रख देती हूँ। ध्यान रखिए कि पानी में वो प्लेट डूबे ना। और ढक के हम अब 13 से 15 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे। मेरे मोमोज बन के तैयार हैं दोस्तों और चटनी भी रेडी है और आप इसको गर्मा गर्म चटनी के साथ खाइए। सर्दियों के सीज़न में तो ये डिश और भी टेस्टी लगती है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।